हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को फूल पटियाला की कटिंग बताने जा रही हूँ, जिसमें हमने दो फोल्ड पर ये 9 इंच का बेल्ट निकाल रखा है। ये देखिए, इस तरह से 9 लंबाई है और इस तरह से दो फोल्ड पर ये 20 चौड़ाई, यानी 20 दुना 40, ये कमर बेल्ट हो गया। अब इस तरह से देखिए, ये 2.5 मीटर मेरा कपड़ा है, जिसका पन्ना जो है 40 इंच है, यानी 1 मीटर है। और इसको हमने पहले सीधे भाग से एक फोल्ड किया और फिर साइड से हमने एक फोल्ड और किया, यानी 4 फोल्ड पर इसको हम फोल्ड कर दिए हैं। मेरी सलवार की लंबाई है 36, तो 9 इंच बेल्ट हम पहले बाहर ऐसे रख लेंगे, उसके बाद यहाँ 36 का निशान लगाएंगे। 36 तैयार है। 2 इंच हम ऊपर मोड़ने के लिए नेफा में 38 हो गया, और 2 इंच नीचे मोहरी बनाने के लिए 40। यहाँ पर हम रखेंगे मोहरी, मोहरी कितना 12, मोहरी 12 है, तो 12 का आधा हो गया 6, और 1 इंच हम रख लेंगे मार्जिन। इस तरह से ये इसका लेंथ हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे कपड़े की पूरी लंबाई, 38 आ रहा है, 38 का आधा रखेंगे 19, और 19 से हम यहाँ मोहरी पर लगा देंगे। अब इसके बाद जो ये कली बची, ये तो हो गया पाउचा अपना, और दूसरा ये हो गया कली बची, और इसमें हम रखेंगे चल। तो यहाँ से फिर हम 9 इंच का बेल्ट के लिए ऐसे निकाल देंगे इस तरह से, और पूरी लंबाई का हम तिहाई भाग करेंगे। 12 हो गया, 36 का तैयार हो गया, 12 तैयार हो गया, और 12 में 4 इंच हमको मार्जिन रखना है, 2 इंच मोड़ने के लिए ऊपर डोरी के लिए, और 2 इंच नीचे मोरी बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आसन, और यहाँ से हम करेंगे कट, और ये हो गया हमारा पाउचा। अब इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले कली को सबसे पहले काट के निकाल देंगे ऐसे, और यहाँ से हमारी लंबाई हो गई, और ये हो गया 4 कलियां इस तरह से, और ये हो गया हमारा पूरी पाउचा, और इसकी जो है इस तरह से चौड़ाई, ये कली जो है इस तरह से इसमें ज्वाइंट किया जाएगा ऐसे, ताकि इसकी चौड़ाई ज्यादा रहे, और हमारा चुनट भी है पटियाले में अच्छे से चुनट बैठ सके। ठीक है, और यहाँ से जो है इसको खोल देना। और ये गया बेल्ट, और ये हो गया कलर। ठीक है, बाकी पाउचा करते हैं। ठीक है, बचा हुआ तो बोरी बना।